नमस्कार, वेलकम टू लूनर आस्ट्रो। टुडेज वीडियो विल बी इन हिंदी एंड इंग्लिश बोथ। टू वॉच दिस वीडियो इन इंग्लिश, जस्ट क्लिक ऑन द टाइम स्टैम्प बिलो एंड यू विल मूव टू द इंग्लिश सेक्शन ऑफ द वीडियो। नाउ फॉर हिंदी व्यूअर्स, लूनर आस्ट्रो में आप सबका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है वो बहुत इंटरेस्टिंग है, वो है केतु। बिकॉज ना राहु के लिए प्रेडिक्शन हो जाते हैं, केतु के करने के लिए कई बार प्रॉब्लम पड़ता है या टाइम लगता है। तो केतु को कैसे यूज करना है और केतु का ऐसा कौन सी चीज है जो आपके हाथ में बहुत अच्छी तरीके से दी गई है, वो हम देखेंगे। पर आई होप कि D60 की DT के बहुत सारे ईमेल्स मेरे को आए कि किस तरीके से उन्होंने यूज करा। तो D60 की DT का जब यूज करते हो, जो हमने लास्ट वीडियो किया था, षष्ठ्यांश सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट डिविजनल चार्ट है, बिकॉज महर्षि पराशर ने उसको 4.5 नंबर दिए हैं 5 में से। वो बहुत इजीली उससे प्रेडिक्शन होता है अगर सारे के सारे षष्ठ्यांश की डीटीज याद हो जाए। स्लोली हम लोग यहाँ पे षष्ठ्यांश की डीटीज देना चालू करेंगे। साथ ही साथ जो एक पोस्ट था यूट्यूब के ऊपर जो मैंने किया, कि एक योग बताया था जो पीटर अगर 12वें में हो, बुध 3रे में हो, नहीं जुपिटर 12वें में हो, बुध 3 नंबर में हो, तो इंसान अपनी जिंदगी में एक बार मंदिर की सीढ़ियों पर गिरता है। उसमें बहुत सारे लोगों ने काम किया है, बहुत सारे लोगों ने काम नहीं किया है। उस योग का एक और पार्ट था कि चेस्ट के ऊपर निशान मिलता है उस योग के अंदर। वो चेस्ट के ऊपर निशान एक बहुत बड़ा सिंबलिज्म है कि क्यों मिला है आपको, कोई भी आपकी बॉडी पे कोई भी जो बर्थ मार्क है वो आपको, या बर्थ मार्क है उसके बाद भी जो आपको निशान मिले हैं, वो एक बहुत बड़ा रीजन है कि आपको निशान क्यों दिए जा रहे हैं। जैसे कि अगर राहु मेष राशि का हो तो फेस के ऊपर, सर के ऊपर बहुत सारे टाके लगाए जाते हैं, उनके रीजंस हैं। तो वो जो योग था, बहुत सारे लोगों ने कहा काम नहीं करा, हो सकता है आपके चार्ट में काम नहीं करा हो, बिकॉज वो कंप्लीट टेक्निक नहीं है। योग, कोई भी जो योग है उसके बहुत सारे सब पैरामीटर्स होते हैं। जैसे कि केंद्रम योग है तो उसके भंग होने के भी योग है, उसको योग भंग बोलते हैं। तो कोई भी जो टेक्निक दी जाती है उसको प्लीज पहले इस्तेमाल किया कीजिए, क्योंकि कोई भी टेक्निक निकालने में टाइम लगता है, बहुत सारा रिसर्च जाता है, उसके बाद वो टेक्निक दी जाती है। हो सकता है आपको लगता हो कि बहुत इजीली मिल रही है तो आपको उसका कदर नहीं है, बट टेक्निक काम करता है, बिकॉज वो जब टेक्निक दी गई है उसको निकालने के लिए बहुत सारा रिसर्च चाहिए। तो उसको टेस्ट करिए, आपको देखिएगा कि उसका बहुत बड़ा सिंबलिज्म है आपकी बॉडी में। जहां जहां पे मार्क्स हैं, जुपिटर की पोजीशन से देखिए कि कहां पर कौन सा मार्क्स क्यों मिल रहा है, एक रीजन है, एक बहुत बड़ा रीजन है उस घर के अंदर। वो वीडियो मैं बनाऊंगा लेटर सम टाइम पीरियड, जब हम योग चालू करेंगे। साथ ही साथ जो आज का वीडियो है वो है केतु लाल किताब क्या कहती है, पेंडिंग कर्मा की किताब है लाल किताब, वो उपायों की किताब है ही नहीं। हर एक जो रेमेडी लिखी गई है, हर एक रेमेडी का अपना एक असर है और वो एक उसका पीछे का एक बहुत बड़ी कहानी है। उसके अंदर बहुत सारी चीजें हमने निकाल के दी हैं, जैसे कि 8वें घर का बुध, 8वें घर का शनि, शनि अलग अलग घरों में, बृहस्पति अलग अलग घरों में, लास्ट के 2 या 3 वीडियोस के अंदर हमने दिए। 3रे घर का क्या मतलब है, कहाँ से निकाला जाता है, क्या प्रोटेक्शन करना है, वो आपको यूज करना आना चाहिए। अभी तो अभी आज का जो टॉपिक है वो 9th हाउस केतु। 9th हाउस केतु कहा गया कि ऐसे इंसान को लगातार अपने बच्चों को आशीर्वाद देना चाहिए, क्योंकि केतु एक ऐसा प्लैनेट है जो 12वें घर का कारक माना गया है, मोक्ष का कारक है। केतु चीजें छोड़ने के लिए, देने के लिए है, जबकि राहु चीजें लेने के लिए है। राहु बोलता है कि किसी तरह से ना लड़के झगड़ के उधार लेके, छठे घर में जितने भी कॉन्फ्लिक्ट हो सकते हैं करके किसी भी चीज से चीजें ले लूंगा। केतु को चीजें छोड़ने में टाइम नहीं लगता। तो जहां पर भी आपका केतु बैठा हो चार्ट में, पहली टेक्निक ये है कि आप बोलिए कि आप चीजें छोड़ने में टाइम लगाएंगे, आप 1 मिनट में अपना सब कुछ उठाएंगे, बोलेंगे छोड़ दिए। बिकॉज केतु के अंदर ना मोह माया नहीं, उसके अंदर जो केतु का जो स्पिरिचुअलिज्म है वो इतना ज्यादा है कि तभी बोलते हैं अगर केतु 12वें घर के अंदर हो, लग्न के स्वामी के साथ हो, या किसी भी ऐसे ग्रह के साथ हो कि वो 12वें घर को देखता हो, 12वें घर को इन्फ्लुएंस कर दे, तो इंसान ना चीजों को छोड़ने में टाइम नहीं लगाएगा। सिमिलरली बॉडी को छोड़ने में भी टाइम नहीं लगाता, बहुत आराम से मुक्ति का मार्ग खुलता है। और ऐसा इंसान निरंतर अगर 12वें घर से लिंक है तो ऐसा इंसान निरंतर अपनी मुक्ति के लिए प्रयत्नशील रहता है, वो कुछ ना कुछ सीखता रहता है कि मेरी मुक्ति यहां से हो जाएगी। ये 12वें घर का केतु का इफेक्ट है, या 12वें घर के स्वामी के साथ बैठा हो।
केतु नाइन्थ हाउस में तो बोल रहे हैं कि आशीर्वाद दिलवाइए, क्यों? क्योंकि नाइन्थ हाउस ब्लेसिंग्स हैं और भाग्य है। ये इंसान जब आशीर्वाद दे देता है ना अपने बच्चों को या किसी को भी आशीर्वाद दे देता है तो सामने वाले का ना भाग्य चमकने लगता है। नौवे घर का केतु, पांचवे घर के केतु के लिए बोला गया कि बहुत अच्छा ज्योतिषी बनाता है, लगन से हो, आरोद्र लगन से हो। क्यों पांचवे घर से अच्छा ज्योतिषी बनता है? क्योंकि ना पांचवे घर के अंदर केतु हो, पांचवे घर के मालिक के साथ हो, तो ऐसे इंसान को ना किसी और के ट्यूटर की जरूरत नहीं पड़ती ज्यादा। गुरु के साथ थोड़ा सा भी मिल लेगा ना एक दो बार भी, क्योंकि इसका बहुत सारा पिछले का बैलेंस है। आपको जिस भी घर में केतु मिला है वहां पे आपको बहुत सारा एक्सपीरियंस सोल का आ रहा है। केतु मटेरियलिस्टिक चीजों से खुश नहीं होगा कभी भी, आप कभी भी देखिएगा वो बेचैन घूमता। आपके जिस भी घर में केतु हो, मान लीजिए आपके छठे घर में केतु है, आप कभी भी सर्विस में, किसी और के अंदर काम करने में, किसी की इंस्ट्रक्शंस लेने में सेटिस्फाई नहीं हो सकते। आप हमेशा ना वहां पे परेशान ही रहोगे, आपको ऐसा लगेगा कि ये चीज पूरी नहीं हो रही है। अब साथ ही साथ उसके साथ जो ग्रह बैठ जाएंगे वहां पर भी आपको डिससेटिस्फेक्शन देगा, बिकॉज केतु ना सोल लेवल पे काम करता है, उसको ना सर नहीं है तो खाना नहीं खा सकते। उसको जो वो चाहिए, क्या बोलते हैं, फूड चाहिए, वो सोल फूड चाहिए, कुछ ना कुछ ऐसा खाने को चाहिए जो उसकी आत्मा को तृप्ति दे। सिमिलरली पांचवा घर जो है, पांचवा घर कंसल्टेशंस का है, एडवाइसेस का है, नॉलेज का है। अब उसके अंदर जब ये आ जाता है कंसल्टेशंस देने के लिए, तो बहुत नेचुरल तरीके से उसका मुझसे कंसल्टेशंस हो जाते हैं। फिफ्थ हाउस केतु, आरुण लगन से फिफ्थ हाउस केतु सेम प्रिंसिपल अप्लाई करता है। अब ये केतु जहां जहां पर भी आपके चार्ट के अंदर, जिस भी घर के अंदर जाता हो, आप इसको अप्लाई करके देखिए कि आपके पास वहां पे चाहे मटेरियलिस्टिक चीजें ना हो, और मटेरियलिस्टिक चीजें आपको वहां पे खुश भी नहीं कर पाएंगी, पर वहां पर आप जब बोल दोगे ये किसी और के लिए काम करेगा, अपने चार्ट्स के लिए काम नहीं करेगा, ध्यान रखिएगा। क्योंकि अगर आप सोचें कि आपका पांचवें घर का केतु है कैप्रिकॉर्न का और आप सोचें कि मेरा प्रमोशन हो जाएगा, नहीं होगा। आप अगर किसी और को बोलेंगे कि आपका जॉब में प्रमोशन हो जाएगा कैप्रिकॉर्न का केतु फिफ्थ हाउस, क्योंकि फिफ्थ हाउस पद की प्राप्ति है, प्रमोशन है, टेंथ लॉर्ड फिफ्थ में हो जाएगा उस इंसान का प्रमोशन, क्योंकि आपके अंदर जो एनर्जी है वो इस तरीके की है कि आपको ना ऊपर से कनेक्शंस हैं, सोल का कनेक्शन है, तो तभी फिफ्थ हाउस केतु के जो एस्ट्रोलॉजर्स हैं आपको बहुत कम मिलेंगे, पर ब्रिलियंट मिलेंगे। फिफ्थ लॉर्ड के साथ भी हो, सूर्य केतु हो नेचुरल फिफ्थ हाउस के साथ, तब भी ये सेम कनेक्शन काम करेगा, पर फिफ्थ हाउस में होना प्रोमिनेंट है। अब साथ ही साथ जब कभी केतु का कनेक्शन जिस भी प्लैनेट के साथ हो जाएगा, वो प्लैनेट भी डिससैटिस्फेक्शन क्लॉज करने लग जाएगा। क्यों? क्योंकि केतु ना आपका वो प्लैनेट है कि आपको ना वो मुक्ति दिलवाने के लिए है, चीजें दिलवाने के लिए नहीं है। तो जिस भी के साथ हो जाए, शुक्र केतु हो तो शुक्र केतु के अंदर वो क्या ढूंढता है कि वो सोल लेवल कनेक्शन ढूंढता है, वो इमेजिनरी वो ढूंढता है कि इमेजिनरी वाइफ मिल जाएगी, वो मिलती तो है नहीं शुक्र केतु की वजह से, तो क्या है कि उसके से उसके अंदर डिससैटिस्फैक्शन है, तो उसको लगता है कि रिलेशनशिप सारी की सारी बेकार हो गई। पर उसकी वजह से बहुत सारे लोगों और लोगों का रिलेशनशिप अच्छा होता है, उसको पता है कि किसके रिलेशनशिप्स में कहां पर क्या प्रॉब्लम है। उसके पास लोग के लिए किस लिए आएंगे कि आप मेरा रिलेशनशिप ठीक करवा दो, और उसके वजह से होगा भी, एक बहुत बड़ा कर्म है उसकी लाइफ का शुक्र केतु, कि उसके वजह से बहुत लोगों की लाइफ में रिलेशनशिप्स ठीक होते हुए चलेंगे। शनि केतु है तो उसके वजह से बहुत लोगों का प्रोफेशन बनता हुआ चलेगा, खुद का प्रोफेशन ब्रेकडाउन होगा, क्योंकि उसके पास ना बहुत सारे पैरामीटर्स हैं। केतु क्या करता है, केतु डिससैटिस्फैक्शन इसलिए दे रहा है, केतु डिससैटिस्फैक्शन इसलिए दे रहा है क्योंकि वो चाहता है कि वो प्लैनेट परफेक्ट हो, वो मटेरियलिस्टिक चीजें ना दे बट सोल फूड दे। तो सोल फूड जो है ना, अगर आप प्रोवाइड करते हो लगातार, केतु शांत रहता है, अपने आप काम करता है और बिना किसी दिक्कत के काम करता है, वो हाउस के अंदर सेटिस्फेक्शन आने लगता है। पर जब आप उसको फूड नहीं देते, सोल को भूखा रखते हो, तब जाके प्रॉब्लम स्टार्ट होते हैं, उसके बाद से केतु ट्रबल आउट करना स्टार्ट करता है आपको। तो उसके लिए क्या करिए, आप देखिए कि ऐसी कौन सी नॉन मटेरियलिस्टिक चीज है उस हाउस के अंदर, उस साइन से रिलेटेड, जैसे कि टेंथ हाउस में लिब्रा का साइन हो, केतु हो, आपको पता है आप किसी के अंडर में काम नहीं कर सकते, आपको इंडिपेंडेंट प्रोफेशन नहीं करना,
या ऐसी किसी पोस्ट पे आके बैठना है जहाँ पे बिल्कुल आप इंडिपेंडेंट हो जाए 10th हाउस के थ्रू। अब वो लिब्रा के अंदर है, लिब्रा चॉइसेस का साइन है। ये कैसा साइन है लिब्रा का 10th हाउस में, कि आपको अपने करियर के वैसी बहुत सारे टेक मार्क्स थे कि मेरे को ये कहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। अब उसमें केतु और आ गया तो उसके अंदर और ज्यादा डिससैटिस्फैक्शन हो गया। तो आपको कोई ऐसा प्रोफेशन पसंद आएगा जिसके अंदर आपको पब्लिक डीलिंग और लोगों को हेल्प करने के लिए हो, तभी जाके ना आपको सुकून मिलेगा, शांति मिलेगी। अगर आपको ऐसी जगह डाल दिया जाए जो अनडेवलप्ड हो, अभी काम ना चालू हुआ हो, कम लोग हो, पब्लिक इंट्रैक्शन नहीं हो, 10th हाउस लिब्रा केतु, आप बोर हो जाएंगे, आपको लगेगा मेरे को मजा नहीं आ रहा। वहां पे सोल फूड ढूंढना है, कोई भी ऐसी चीज जिससे आपका फायदा नहीं होता हो, जिसमें आपको लोगों को देना हो, तभी 2nd हाउस केतु हो तो इंसान लोगों को बहुत खाना खिलाता है, वो कह कह के थक जाता है कि खाना खा के जाना है। 2nd हाउस केतु, 4th हाउस केतु, 4th हाउस केतु, 4th हाउस केतु में क्या है कि 4th हाउस केतु न्यूट्रिशन है, तो उसका एक मेजर कर्म है कि लोगों को सुकून, 4th घर सुकून का है, शांति का है, सुकून प्रोवाइड करवाना है। सुकून प्रोवाइड करवाने के लिए वो अलग अलग तरीके ढूंढता है, उसके हाथ के थ्रू हो जाएगा 4th हाउस केतु। 2nd हाउस में फूड है, सिर्फ खाना, वो खाना देगा। सिमिलरली 3rd हाउस के अंदर क्या है, 3rd हाउस के अंदर कम्युनिकेशन है, रिटर्न मटेरियल है। आप देखिए 3rd हाउस केतु हो तो उसको खुशी होती है जब वो किसी को किताब दे देता है, किसी को नॉलेज दे देता है, एजुकेशन दे देता है, काउंसलिंग दे देता है, कुछ और बोल देता है 3rd हाउस केतु। 7th हाउस के अंदर वो रिलेशनशिप से इंटरेक्शन, उसको लगातार इंटरेक्शन चाहिए किसी ना किसी से। और अगर मान लीजिए यही लिब्रा का केतु 6th घर में हो तो उसको इंटरेक्शन किसी की बीमारी के लिए चाहिए, कि वो सब जो कोई बीमार होगा, परेशान होगा, उसको जरूर फोन करेगा, क्योंकि उसको उसको सुकून मिलता है। सिमिलरली 8th हाउस का केतु हो, 8th हाउस का ट्रांसफॉर्मेशन का हाउस है सर, वाला टाइम पीरियड है जब लोग बहुत बुरे दौर से गुजर रहे हो या भाई बहुत प्रोसेस के चेंज से गुजर रहे हैं, तो उसको लगातार ना उन लोगों को फोन करने में, बात करने में, सुकून देने में उन लोगों को, इसको शांति मिलता है। साथ ही साथ जब एक बड़ा चेंज लाना हो किसी और की जिंदगी में, मतलब 8th हाउस का केतु हो कैप्रिकॉर्न को, लेट्स सपोज, तो बोलेगा कि आपके प्रोफेशन में चेंज मैं ला दूंगा। आपका अगर बिजनेस नहीं चल रहा हो तो एक रेमेडी ये है कि आप किसी ऐसे बंदे को हायर करिए जिसका 8th हाउस का केतु हो कैप्रिकॉर्न में, ये आपका बिजनेस ट्रांसफॉर्म करवा देगा। एक ऐसा प्लान ले आएगा जो कोई नहीं ला पा रहा। अब यही वाला टेक्निक तब भी काम करेगा जब कैप्रिकॉर्न का केतु स्कॉर्पियो का केतु 10th हाउस में बैठा हो, अपोजिट वे भी काम करता है। अब तीनों चीजों को मिक्स करिए, ऐसे बंदे को हायर कर लीजिए, करवा देगा। पर 10th हाउस का जो केतु, जो 10th हाउस का केतु है, वो आपके लिए काम नहीं करेगा, क्योंकि उसको बिल्कुल एक इंडिपेंडेंट डिसीजन मेकिंग चाहिए, वो आपके आपके इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करेगा। केतु किसी और के इंस्ट्रक्शंस फॉलो नहीं करता, उसका अपना एक समझ है, उसका अपना एक पैटर्न है, उसको पता है मेरे को ऐसे ही करना है, मेरे को मत बताओ। ये एक बहुत प्रोमिनेंट फीचर है, क्योंकि केतु ना आपके पास लाइफ के बहुत सारे एक्सपीरियंसेस के साथ सीखता हुआ आ रहा है, तो उसका अपना एक जद है कि उसको पता है मेरे को इसी तरीके से करना है। तभी मैं बोलता हूँ कि शुक्र अगर केतु के नक्षत्र में हो, केतु शुक्र हो, खुद केतु सावित्री घर में हो, तो इंसान की शादी ऐसे व्यक्ति के साथ होती है कि सारे घर वाले मना करते हैं कि इसके साथ शादी नहीं करना, पर वो उसी से आके शादी करता, बाकी सारा घर दुखी हो जाता है कि किसके साथ शादी कर ली है, क्योंकि उसके होगा बहुत सारे अच्छे अच्छे ऑप्शन हो, पर वो जिसके साथ शादी करता है वो सबसे बेकार ऑप्शन होते हैं। लेकिन वो उसी को समझ में आता है कि उसको पता है कि मेरे को यही चलेगा और कोई नहीं चलेगा। आप कभी प्रेडिक्ट करके देखिएगा यार प्रिंसिपल। 11th हाउस का केतु सिबलिंग्स है, कम्युनिकेशन है, आपकी इच्छाएं खत्म कर देता है 11th हाउस में केतु, मटेरियलिस्टिक इच्छाएं। पर हाँ, वो गुरु के लिए किसी चीज को, ज्ञान को पाने के लिए, जहाँ पे वो साइन है ना, वो नॉन मटेरियलिस्टिक चीजों के लिए इच्छाएं जगाता है, और वो ऐसा बेचैन से घूमता है। आप जैसे कि किसी का 5वें घर का केतु हो ना, वो जिस दिन नहीं पढ़े ना, जिस दिन वो किताब ना उठा के 2-3 घंटे नहीं बैठे, वो बेचैन सा रहता है, उसको गुस्सा आने लगता है, उसके अंदर का ना वो ग्रंपी हो जाता है बहुत उस दिन, उसको पढ़ना ही है 5-6 घंटे 5वें घर का केतु, क्योंकि वो नॉन मटेरियलिस्टिक चीजें हैं। 12वें घर में केतु अच्छा काम करता है, वो नेचुरल गिवर है, वहीं बैठा हुआ है, उसको पता है कि किसको क्या देना है, किसको क्या नहीं देना, और बहुत स्पेसिफिक है। मतलब जुपिटर के हाउस में, नेचुरल जुपिटर का हाउस है, वहां पे केतु बैठा है, क्योंकि केतु ना बहुत नैरो है, राहु जितने बड़े हैं केतु उतने ही नैरो हैं, और वो नैरो के ये जानते हैं कि मेरे को ना स्पेसिफिकली यही चाहिए,
तब केतु अगर क्या बोलते हैं लिब्रा के साइन में हो तो कपड़े नहीं खरीद पाओगे। बहुत सिंपली बता दीजिए कि आप कोई भी जो लग्जरी आइटम्स है वो नहीं खरीद पाओगे, इजीली नहीं खरीद पाओगे। क्यों नहीं खरीद पाओगे? क्योंकि केतु बहुत स्पेसिफिक है, और आपको जो रंग चाहिए, जो मटेरियल चाहिए, जो कॉटन चाहिए, वो नहीं मिलेगा आपको, सारी चीजें एक साथ नहीं मिलेंगी, क्योंकि वो बहुत नैरो माइंडेड तरीके से सोचे, बोल रहे मेरे को ऐसे ही रंग में पहनना था नहीं तो नहीं पहनना। साटन केतु हो तो शूज नहीं खरीद पाते, आप वो मटेरियल से चीज खरीद भी नहीं पाओगे। मतलब ये इतना बड़ा टेक्निक है कि आप करके देखिए कि शुक्र केतु वो गाड़ी नहीं खरीद पाओगे अपनी जो पसंद की होगी। पसंद ही नहीं आती पहली बात, क्योंकि आपको जो 6 व्हीलचेयर्स एक साथ गाड़ी में चाहिए वो आपको मिलेंगे नहीं। तो इस तरीके से केतु काम करते हैं चार्ट के अंदर। तो आप इसको अप्लाई करिए, प्रेडिक्शंस करिए, एंड उसके मेरे को कमेंट में बताइए कि कितना काम कर रहा है। थैंक यू। फॉर इंग्लिश व्यूअर्स, टुडेज टॉपिक वी आर गोइंग टू कवर केतु आज, एंड दिस इज आर द प्रिंसिपल्स कमिंग आउट ऑफ द लाल किताब। आई एम गोइंग टू हेल्प यू डिकोड द लाल किताब, बिकॉज अ डॉगमा विच हैज बीन स्प्रेड आउट बाय सर्टेन पीपल इज दैट लाल किताब इज अ रेमेडियल बुक विच इट इज नॉट। लाल किताब इज अ पेंडिंग कर्मा बुक। द ओनली इशू इज सम पीपल आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड इट प्रॉपरली, रीजन बींग बिकॉज इट वॉज ओरिजिनली रिटन इन अ फारसी लैंग्वेज। फारसी वॉज अ ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ पाकिस्तान, ऑफ द पंजाब स्टेट विच इज हाफ इन पाकिस्तान राइट नाउ, हाफ इन इंडिया। एंड ऑल द एल्डर्स ऑफ द फैमिली, इफ फैमिली हैज केम फ्रॉम द पाकिस्तान पार्ट ऑफ द पंजाब, दे यूज टू स्पीक एंड राइट इन फारसी ओनली, बिकॉज दैट वॉज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ दैट गवर्नमेंट। It was written in Farsi, and when it was got translated into Hindi, so some people who do not have that background of Farsi, when you do not have the environment of growing in that particular family, you miss certain points and you just take the literal sense. Just as one of the significations of Mercury has been told in particular house was, it's a son of a owl, which is basically an abuse given to kids in the family. But it has a very deep meaning to it, that why it has been said to it. And I've used that in predictions as well, that this must have happened with you. The prediction was, the native, you will have relationship with several women, but you will never be able to touch her. The physical contact will be missing. This is a prediction I made from that little sutra only. So these are the sutras in which we need to decode. Instead of Sanskrit, it was written in Farsi. Now, based on these principles only, there was a term called as flower for the dead bodies, 8th house Mercury, which we decoded, and I told you that 8th house Mercury is moreover the final respects which has to be paid after that particular person. You have not paid in past life and you will not be able to do it in this life as well. This is the biggest challenge. Such as if someone had a Sun, Mercury, Mars in the 8th house, this native's uncle, father's brother, had a very bad skin disease. Mercury, Mars gives skin disease. And with Sun, it was really a prominent skin disease. This native's uncle died due to a skin disease, a skin infection, and the last rites were not performed properly. In someone's chart, there was a moon in the Saturn in the 8,000 house of moon. Moon represents food. Saturn is a wastage or scarcity. The food was not offered after the cremation. And Saturn was the, in this particular chart, the Saturn was the third house, third lord and second lord as well. Someone within the family, you time it and say this particular time period, someone within the family must have died and there was no food served. And the guy confirmed the food, that what happened, it was actually rain happened during that particular time period. So no one had food. A lot of food got wasted. And this guy was suffering from the problem of career. So see, a one simple technique from that flower of a dead body, how you decode it
and you make predictions and remedies from it. We're giving it out for free because this is the ancestral curse in several people's lifetime and they suffer badly. That's why we give it out for free. It's a $1 million technique when you test it and try it on several charts. And because in 1 minute, in 1 second, you can tell someone in your father's family, mother's family, you see that who's which house lord it is, you do the timing and say, during this particular time period, someone in your family has died this particular manner and this has happened. Like there was a case of Mars, Mercury in the 8th house. The only prediction was after the death of the father in the family, there must be fight regarding the division of the property. I said before the funeral, the fight has happened between the brothers. Because what is happening is you're going to farewell someone from your family and you should follow certain procedures. If you're not going to follow procedures, in past life you have done it, in this life that's why you've got the plant in the 8th house. Similarly, if you have done something in the past life regarding the birth rituals, in this particular life you will get the plants in the 3rd house. And similarly, same challenges will be faced. If you have Jupiter in 3rd house, the marriage ceremony will have different problems depending on the sign. You go ahead and please check what was the problem happened on the marriage day, 3rd house. Jupiter in 3rd house, your birth rituals were not performed properly. Jupiter in 3rd house and sign of Jupiter, Mars in 3rd house. Mars is a barber. You have not paid barber properly. And see, Mars is in 3rd house. The person never actually pays to the barber. But several students use these techniques. These are the one of the brilliant techniques for the Lal Kitab. So whenever you learn Lal Kitab, there is no one I met till now. I mean, one of my students, he's practicing Lal Kitab from last 20 years and he learned from directly from someone who learned from the Pandit Roopchand Joshi, who is the originator of the Lal Kitab. He's practicing from 20 years. And he said, I respect you because you are the first person who actually understood the essence of it. Till now, I've not met anyone who is using Lal Kitab like this. More of them has made it an upay book or a remedial book. But I leave it up to you. Whenever you see a line written about the Lal Kitab, please try to understand why it has been written. It is a very deep meaning for every single sentence written in that book. Till now, I've covered only few portions of that book. I'm still trying to decode it. Like we did the Nakshatra Palas for the Ma Parvati and Shiv Samvad. Every single literature which is written, like other day I wrote a sutra, when Jupiter is in 12th house, Venus in 4th, the native will have a chest mark on the chest and will fell from the stairs at this particular age. Lot of people confirmed yes, lot of people said no. The thing is, before you even say no, have you understood the technique? Have you understood how much of an effort must have gone in that particular technique to derive it out? And how much have tested before actually giving you out? So when you have a mark on the chest, like someone if you have a Rahu in the Aries, he will have several stitches on the head. There's a particular reason why the native gets the stitches on the head. A very prominent reason. And when the rishis are telling you the native will have the chest mark on the chest in this particular age, the native will fell down from stairs, there's a very deep meaning behind it. Whoever confirmed, I tried to reply to most of them with certain more predictions regarding that. That's how the yoga works. But anyhow, today's topic is another technique of red book. This is the 9th house Ketu. Lal Kitab says you have a Ketu in 9th house. You should bless all your kids, and whoever you will bless will experience certain change in the fate. Reason being, Ketu is a planet which is up for giving. It's a natural 12th house planet, while Rahu is opposite for the 6th house. Rahu requires everything.
by fighting, by debt, by loans, by any kind of a conspiracy. Rao requires things. Ketu says, I'm here to give you out. I'm here to leave everything. That is why when Ketu is in 12th house, Ketu linked with the 12th lord or aspects 12th house, the native leaves this body very easily. Wherever your Ketu is in the chart, wherever, you will be able to leave the significations of that house, the materialistic significations of that house very easily. Because you're not attached to the materialistic part of it. Because Ketu does not have a head. He cannot eat anything. That is why the Ketu person tries to walk throughout the day, is always restless, because he cannot eat. He's always hungry. And what is the food for Ketu? The food for the Ketu is the food for your soul. Such as if someone has a ninth house Ketu, the native always try to give out something to the other people, to give advice to some other people. Let's suppose someone has a ninth house Ketu in Libra. The native will give advice regarding their marriage, and he is very tense about other people's marriage life, their relationships, and he will try to bless all of them. This is what the ninth house Ketu does. But let's suppose this Ketu is in fifth house. That's why fifth house Ketus makes brilliant astrologers. Or fifth house Ketus from the Arudra Lagna, the native become a brilliant astrologer. Reason being, because fifth house Ketu is meant to advise other people. Fifth house is for advising. That is why Nitya can predict very easily. He will learn things very easily. Will be, and all the time, he will not attach to any of the students, any of the person who is coming to him. He will look at the chart and predict, and then you go out from there. That is how the Ketu works. Ketu in different houses, in different signs. Let's suppose someone has a Ketu in the eighth house. The native will help you to transform you. Transform other people. Let's suppose this Ketu is in sign of Capricorn. This particular person, whoever he will work for, will transform his business completely upside down or downside up. You hire this person depending on where the eighth lord is going, where the Saturn is in the chart. But that's his major job, to transform some other's business, because this Ketu will only work for others, not for yourself. You can only give it out to others. You cannot give it to your family or yourself. You will be always dissatisfied. You will be like, it's okay. You will have brilliant knowledge, fifth house Ketu. But again, your hunger for your knowledge will never stop. Like someone has a fifth house Ketu, predict you, if you do not read at least 4 hours a day, you will become restless. That's how he becomes. If he does not learn anything new, he's always in search for something new, because that is soul food. And depending on the sign, what is the sign over there, the person actually tries to learn about this, about that particular subject. This is how you predict for the Ketu. When Ketu, like I gave you the example of Ketu in the 8th house, of native helps you transform in the sign of Capricorn. But let's suppose this Ketu is in 10th house in Scorpio. Still it will work. But 10th house Ketu does not want to work for anyone else, because Ketu in 10th house does not want to take instructions. Ketu is very specific that I do not give me instructions, I know what I have to do. Like 4th house, the 3rd house Ketu, if you give him driving instructions, he's going to drop you off the car, because you are going to interfere in his handwork, driving Ketu. While 3rd house Ketu is very much, third house Ketu is very much inclined towards teach other people or regarding the safety of other people while driving. Wherever the Ketu is very specific about the task given to him and to be performed by him. That is why in 12th house, it becomes very specific that this is what I have to give out. Because in sign of Jupiter, which is such a wide sign, Ketu is a planet which does not lose the focus in the 12th house. It's very prominent. This is what I have to give out. I have to give out my 120% to leave the place. That is what 12th house Ketu starts preparing for the death rituals before even his death. That's what the Ketu does. Ketu is in sign of Libra. Tell the native that you will not be able to buy clothes, handbags,
वेरी इजिली. व्हाई? बिकॉज इन साइन ऑफ लिब्रा द नेटिव हैज ए वेरी प्रोमिनेंट रिक्वायरमेंट दैट आई रिक्वायर दिस टाइप ऑफ ए शर्ट एंड दिस पर्टिकुलर मटेरियल एंड दिस मच अमाउंट. And until unless these conditions are met, he's not going to buy that. Very specific regard when someone has a third house Ketu, sign of Gemini, the native will give out several stationary things to several other people, but for his own stationery, for his own pen, for the written emails, very specific about it, that I want this particular pen only, this particular material of the copy only. These are things he's very specific about. And also we will give out several stationary information, communication equipments to different people. That's how the Ketu will work in different houses. So you have to see what you can give, because this is the past life experiences you already have. And you will always make the choices. You will never listen to anyone else when it comes to the Ketu. Like Ketu in sign of Leo, the whole world will tell you, please do not choose this subject for your education. Please do not do this. It will harm your reputation. Fifth house is your reputation, your position. Ketu in fifth house does not understand. Ketu says, this is how I'm going to work. I'm going to go with this particular subject. I'm going to go with this particular girlfriend. Saturn Ketu, your shoes you cannot buy because you're very particular about shoes, Saturn Ketu. Similarly, Libra Ketu, very specific regarding the marriage and the partner, or the Venus Ketu also. Venus Ketu combinations, please predict in several charts, whichever chart you see Venus Ketu, Ketu in seventh house, Shukra in the Venus in the sign in the nakshatra of Ketu, that you will all of them will tell him that you will have certain options for the marriage. Like this girl has everything, and you will have several options will be given to you. But this native will go and marry the girl which is not liked by anyone in the family. Anyone. The native will going to go marry with her. That's what the seventh house or Libra Ketu or the Venus Ketu does. Marries a woman liked by no one else. When Mercury Ketu combines, everyone will tell you that this is a bad business for you. Do not do this business. Do not make this particular person as a business partner. Do not make this particular friends. And he will have all those negative qualities in his friends, business, because he is such attracted to these things because he has not experienced them before. He knows that whatever he's doing, all of his past life experiences come into play. That I know this game, I will get rid of this. I know how to address this. That's how this the Ketu with the Mercury works, Mercury Ketu combinations. That is where the native have the break in the education, Mercury Ketu. Similarly, Sun Ketu combinations regarding the honor, regarding the position, regarding the kids. Very specific about how to raise kids, what to do with the kids, and he is not going to listen to anyone. That's what the problem with the Ketu is. Ketu is ears. The person will not listen to other people. And due to which he suffers. Because what he does not understand is Ketu is for giving the advices to people and that will work. But in his own case, it will not. Shukra Ketu combinations, the native will have a major karma to make sure that someone else's marriage is patched up due to him. Someone else's relationships got completed due to him. But he cannot use the same principles in his own marriage. That's why the problem offers. So this is how you decode the Ketu, one-line Ketu. That's what written in Lal Kitab. That's how you decode and apply it in complete charts and make prediction. So I hope you guys like the video. I'll see you guys next time. Thank you.